हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए आपके इंजीनियरिंग करिकुलम के दरम्यान आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है और कौन से में आप एलिजिबल हो सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। सो आज का वीडियो बेसिकली उसके ऊपर है। अब हम सबसे पहले बात करें कि स्कॉलरशिप आपको किस तरह से मदद करती है आपके पूरे के पूरे इंजीनियरिंग के करिकुलम के दौरान। करिकुलम का मतलब होता है आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरह से हेल्प हो सकती है। सो आप काफी तरह से अपनी स्कॉलरशिप यूज करते कर सकते हो, जैसे कि स्टडी के दौरान, फिर आप जो भी कोई दूसरी सिटी में रहते हो, मान लीजिए कि आप राजकोट में रहते हो और आप अहमदाबाद आते हो पढ़ने के लिए, सो उसमें भी आप यूज कर सकते हो अपनी स्कॉलरशिप। उसके अलावा आप अपनी बुक ले सकते हो, फीस पे कर सकते हो, और काफी अलग अलग तरीके से हर कोई स्टूडेंट्स अपनी स्कॉलरशिप यूज करता है। सो आज के वीडियो हम दोनों की दोनों चीज देखने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और दूसरा हम देखने वाले की कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ मेनी, कितनी तरह की आपको स्कॉलरशिप मिलती है इंजीनियरिंग के स्टडी के दौरान। सो सबसे पहली ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन फीस मिलती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्यूशन फीस आपको स्कॉलरशिप में मिलती है। उसके कम स्कॉलरशिप मिलती है हॉस्टल के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हो उसको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि कितने सारे स्टूडेंट्स को पीजी में भी रहना पड़ सकता है, तो जो कोई भी स्टूडेंट्स पीजी में रहते होंगे उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है। स्कॉलरशिप किन लोगों को मिलेगी, जितने भी स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उन लोगों को ही स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके अलावा फूड की भी आपको छोटा सा खर्चा दे सकती है, और गवर्नमेंट देती है हर साल, वो होती है आपके जो मेस का जो चार्जेस होता है, खाने का चार्जेस, उसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप देती है गुजरात गवर्नमेंट। उसके अलावा आपके जो रेफरेंस मटेरियल होता है, बुक्स होता है, उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट पैसा देती है। और काफी सारे, मान लीजिए कि आप फिजिकली डिसेबल हो, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको छोटी छोटी तरह से मदद करती है। इसके अलावा भी दो तीन थिंग्स पे आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। अब हम बात करते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। सो वो डिपेंड करता है कि आपके पासिंग मार्क कितने हैं, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। दूसरी बात की ये है कि मान लीजिए कि पहले साल में आपको 50,000 की स्कॉलरशिप मिल गई, अब दूसरे में क्या होगा कि आपके कम मार्क आए, पहले सेमेस्टर में अच्छे मार्क नहीं आए, तो फिर आपके स्कॉलरशिप पे इम्पैक्ट हो सकता है। वो शायद अगर आपको अच्छे मार्क हो तो थोड़ी सी बढ़ सकती है, बट यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि अगर आपको कम मार्क आते, थोड़े से कम मार्क आते तो भी आपको दिक्कत मिलेगी। आपकी जो पहले साल स्कॉलरशिप मिली थी उसमें काफी कटौती होगी अगर आपके पहले सेमेस्टर के मार्क अच्छे नहीं आए। सो सेमेस्टर मार्क काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है आपके जो स्कॉलरशिप होती है उसके अंदर। सो आपको ट्राई क्या करना है कि हर सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे मार्क आपको लाने हैं, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अच्छी तरह से। दूसरी भी थोड़ी सी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करने वाले कि आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी। सबसे पहली स्कॉलरशिप जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, तो यहाँ पे मैं MYSY का थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैंने गुजराती में लिखा है, बट मैं इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा दूंगा कि अगर आपको 12th साइंस में 80% से ज्यादा है, इज 80% है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपके PR 80 से ज्यादा होने चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके परसेंटेज 80 से ज्यादा नहीं हो तो भी आप एलिजिबल होते हो MYSY के लिए। सो जिन लोगों के भी 80 से ज्यादा PR है उन लोगों के लिए। और दूसरी बात कि आपकी जो एनुअल इनकम है, वार्षिक आवक जिसको बोलते हैं, वो 6 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आपको इसमें एलिजिबल हो सकते हो, वरना आप इसमें एलिजिबल नहीं हो सकते हो। अब यहाँ पे मैं दो तीन एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि उन लोगों को समझ में नहीं आए, उसलिए क्राइटेरिया क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा 50,000 दिए जाएंगे, और इसके अलावा कि दूसरा बात कि आपको 50% मिल सकती है। यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये देना चाहता हूँ कि आपकी एडमिशन होती है निरमा में। अब वहाँ पे निरमा की फीस तो आपको पता है कि कितनी फीस है, निरमा की फीस अराउंड 1,82,000। सो इसमें आपको मैक्सिमम 50,000 मिल सकती है, किसमें, निरमा में हो तो। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू पता चल जाए। अब आपको निरमा में कितनी MYSY मिलेगी, 50K। 50K का मतलब होता है 50,000। सो अगर आपको निरमा में होगा तो MYSY में आपको 50,000 तक की स्कॉलरशिप एक साल में मिलेगी। अब आपकी निरमा की फीस मान के चलो कि 2 लाख रुपीज लगते हैं एक साल के लिए, सो उसमें से आपको MYSY की ओर से 50,000 प्रोवाइड होंगे। अब मान लीजिए कि आपकी फीस इतनी ज्यादा है ही नहीं, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कौन सी कॉलेज लूँ, दर्शन कॉलेज लूँ, इसलिए मैं इसके यहाँ पे डी लिख रहा हूँ। अब दर्शन कॉलेज की एक साल की फीस क्या है, मान लीजिए कि 80,000 है, सो यहाँ पे मैं इसकी फीस लिख रहा हूँ 80K। अब MYSY क्या लिखा है कि जिन लोगों की फीस 1 लाख से कम होती है उन लोगों को 50%। अब इसका 50% कितना होता है, 40,000। सो आपको हर एक साल में
MBSY की ओर से 40,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। जिन लोगों की फीस 1 लाख से ज्यादा है उन लोगों को मैक्सिमम 50,000 तक, और जिन लोगों की फीस 1 लाख से कम है उन लोगों को 40,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती है। सो यहाँ पे जितने भी मैंने ये जो स्क्वायर किए हैं इसका मतलब आपको कितनी अमाउंट पे होगी एज अ स्कॉलरशिप। सो ये आप यहाँ पे ध्यान से कंसिडर करना, ये होता है MYSY के लिए। अब तीसरा सिनारियो यहाँ पे मैं ये ऊपर लिख देता हूँ कि आपका एडमिशन मिला है LD कॉलेज में। अब LD कॉलेज का तो सबको पता है कि 1,500 उसकी 1 साल की फीस है। सो यहाँ पे आपको कैसे पूरा का पूरा 1,500 मिलेगा कि 50%? सो यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि आपको ओनली 50% ही मिलेगा, यानी कि 750 रुपीज 1 साल के लिए। सो ये होगा कोई भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो, सो उसमें MBSY में ओनली 750 रुपीज आपको मिलेगा 1 साल के लिए। सो ये थी तीन डिफरेंट सिनेरियो। पहला कि जिन लोगों की फीस 1 लाख से ज्यादा है उन लोगों को मैक्सिमम 50,000, दूसरी बात कि जिन लोगों की फीस 1 लाख से कम है उन लोगों को 50%, और तीसरी बात कि जो लोग गवर्नमेंट है उन लोगों को 750 आपको मिलेगी। दूसरी बात आती है SCBC और OBC कैटेगरी के लिए। तो यहाँ मैं उन लोगों को ये सजेशन करना चाहता हूँ कि वो MYSY में ना जाए और उन लोगों के लिए एक अलग से गुजरात गवर्नमेंट में एक स्कॉलरशिप की योजना रखी है, और वो है डिजिटल गुजरात। सो यहाँ पे मैं MYSY की रिकमेंडेशन नहीं करना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए मैं डिजिटल गुजरात आपको देना चाहता हूँ। डिजिटल गुजरात में क्या है कि आपकी अगर एनुअल इनकम वार्षिक आवक 2,50,000 से कम होती है, सो उन लोगों को हर साल गवर्नमेंट 50,000 तक की स्कॉलरशिप देती है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट में हो, आप दर्शन में हो, या फिर डेमा में हो, आप कोई भी कॉलेज में हो, तो भी आपको डिजिटल गुजरात की ओर से 50,000 तक की फीस आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सो इन लोगों को क्या करना है, जो भी SCBC और OBC कैटेगरी में आते हैं उन लोगों को अपना जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, दूसरा जो एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट होता है, उसके अलावा भी दो तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो अभी से निकाल के रखने होंगे, क्योंकि जब भी ये स्कॉलरशिप की डेडलाइन चली गई उसके बाद आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार करके रखने हैं। अब तीसरी कैटेगरी आती है SC और ST कैटेगरी के लिए। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प प्रोवाइड करती है, और इसमें मिनिमम क्या है कि आपकी फीस 2,50,000 से कम होनी चाहिए। सो उन लोगों को यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, 100% ट्यूशन फीस आपकी पे करती है। सो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, 100%। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी फीस आपको गवर्नमेंट पे करने वाली है। सो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ाई करने चाहते हैं और उनकी कैटेगरी SC या फिर ST है, तो आपकी 100% फीस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एज अ स्कॉलरशिप। सो उन लोगों को क्या करना होगा कि ये जो फ्री सिप कार्ड है वो जरूरी हो जाएगा, वरना आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगी, जब भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी स्कॉलरशिप उस टाइम पे मिल सकती है, और उसमें थोड़ी सी देर हो जाती है। सो मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप हो सके उतनी जल्दी ये जो फ्री सिप कार्ड है, फ्री सिप कार्ड वो अभी से अभी निकल वाले हैं, तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अब दूसरी बात क्या है कि मैंने यहाँ पे इससे पहले ये आपको बताया था कि ये सारी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। सो ये सारी की सारी स्कॉलरशिप आप जब भी वेबसाइट विजिट करोगे, सो उसके ऊपर ये आपकी काफ़ी सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी, पूरी की पूरी कंप्लीट छोटी से छोटी डिटेल आपको फिल करनी होगी। सो तभी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। अब बात करें कि हॉस्टल फी, फूज फूड की जो स्कॉलरशिप है, और बुक की स्कॉलरशिप आप किस तरह से रिडीम कर सकते हो, किस तरह से आप उसको ले सकते हो। अब सबसे पहले बात की MYSY की वेबसाइट पर से, आपको जितने भी स्टूडेंट्स MYSY से लेना चाहते हो उन लोगों को उस वेबसाइट पर से फीस आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। दूसरी बात कि जो लोग SCBC, OBC और SC ST कैटेगरी में आते हो उन लोगों को डिजिटल गुजरात करके वेबसाइट है, उस पर से आपको उसमें अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट भी दिखा दूँ, ये जो है ये ओनली फॉर MYSY, जिन लोगों को MYSY में से स्कॉलरशिप लेनी है ये वेबसाइट इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों को डिजिटल गुजरात में से स्कॉलरशिप लेने की इच्छा हो वो उसमें से एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन यहाँ पे ये देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने वन लिखा है, वन का मतलब है कि आपको ओनली वन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, ना कि आपको डिजिटल गुजरात और MYSY में दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
सो यहाँ पे ध्यान ये रखना कि आपको कौन सी डिजिटल गुजरात या फिर MYSYM से स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना है। सो इसके ऊपर आप अपने कॉलेज के फैकल्टी से भी बात कर सकते हो कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने बता दिया और नियम में कुछ चेंजेस हो गए और आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। सो उसके लिए एक बार से अपने कॉलेज के फैकल्टी से ज़रूर बात कर लेना। और ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको गूगल में सिर्फ MYSY लिखोगे तो इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। और दूसरी बात कि अगर आप गूगल में डिजिटल गुजरात लिखोगे सो इसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। सो ये आपको वेबसाइट है और उसके ऊपर काफ़ी सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको इन वेबसाइट पर से कुछ समझ में नहीं आए तो आपके डाउट नीचे कमेंट में ज़रूर से करना। सो आज के वीडियो केवल इतना ही, और वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो अभी तक सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर दोस्तों ज़रूर से ये वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू गाइस।